इथेनॉल के कारण प्रदूषण नहीं होता है, ये किसानों का ग्रीन फ्यूएल है और इसके साथ गाड़ियां तो चलेगी। मैं एक ही बताता हूँ, आपका फायदा होगा, आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। अब मारुति सुजुकी भी गाड़ियां ला रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी मैंने अपने यहाँ बंगलोर में कोयले से मिथेनॉल बनता है उसका ट्रक लॉन्च किया अशोक लेलैंड का, वो 25 रुपये लीटर है और बंगलोर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की 20 बसेस डीजल में 15% मिथेनॉल कोयले से तैयार हुआ डालकर वो प्रोजेक्ट यशस्वी हुआ। अब मुंबई में पुणे में मैं मिथेनॉल की बसेस शुरू करने के लिए बात कर रहा हूँ, डबल डेकर बस, लग्जरी बस, ताकि टिकट रेट 30% कम हो जाए। मैं एक योजना तैयार कर रहा हूँ कि हमारी एसटी की बसेज जो है, मैं बताता नहीं यहाँ के बारे में, पर देश में सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत ऐसी है कि हॉर्न छोड़कर सब बस में बसता है, पर अब देश की जनता एयर कंडीशन बस में घूमेगी, टिकट रेट 30% कम होगा और गरीबों को अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगा, इसकी भी योजना हम कर रहे हैं और प्रदूषण नहीं होगा। मैं इसलिए इस सब बातें आपको बता रहा हूँ कि ये छोटा सा ट्रांसप्लांटेशन का उदाहरण, ये सयाजी शिंदे जी ने काम किया, इन्होंने पूरा काम करने का ठेका नहीं लिया है, ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ऐसे लाखों सयाजी शिंदे हमारे मेज से तैयार हो और वो सामने आकर ये काम करें।